डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिकल मेथड ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट और प्लांट क्वारंटाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के अंतर्गत बहुत सारे प्रिंसिपल सेट किए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट हैज सेट। Among them, today we are discuss about the physical methods. Physical methods basically eradication of pathogens के principle के base पे काम करता है, जिसमें बहुत सारे मेथड्स इंक्लूड किए गए हैं। जैसे फर्स्ट जो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट्स है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट्स को जेंसन साइंटिस्ट ने 1889 में डिस्कवर किया था और उसके मेथड्स को डिस्क्राइब किया था। ये मेथड्स बेसिकली तीन चार पॉइंट्स को लेके काम करती है। फर्स्ट, द सीड्स आर डीप इन कूल्ड वाटर फॉर 4 आवर। देन आफ्टर द डीप सीड आर ट्रीटेड एट 52 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट। देन द सीड्स आर ड्राइड बिफोर सोइंग। हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो सीड्स में सीड बोन डिजीज है उसके लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए काम करता है। तो सीड्स में पैथोजन जो है डॉर्मेंट स्टेज में सर्वाइव करती है। जब उसे हम डीप कोल्ड वाटर में डीप करते हैं 4 आवर के लिए, तो जो डॉर्मेंट पैथोजन्स है दे बिकम एक्टिवेटेड। और जब हम उसे ट्रीट करते हैं 52 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वो एक्टिवेटेड जो पैथोजन्स हैं, डॉर्मेंट पैथोजन जो एक्टिवेट होता है, वो कील हो जाता है। इसमें सावधानी रखने वाली बात यह है कि ये जो टेम्परेचर हम 52 डिग्री सेंटीग्रेड सेट किए हैं, इसे अगर हम को बढ़ाना नहीं चाहिए। बढ़ाने से ही अगर टेम्परेचर राइज होता है तब फिर इसका इम्ब्रियो कील होता है, और इम्ब्रियो कील होने से जनरली उसका फिर जो जर्मिनेशन है वो अफेक्ट होता है। बहुत सारे हमको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जैसे लूज स्मट ऑफ वीट है स्टिलागो में, ट्यूटसिन इसका पैथोजेंस है। इसे हम 52 डिग्री सेंटीग्रेड में 11 मिनट के लिए ट्रीट करेंगे, तो जो इंटरनल सीड बोन डिजीज है इसको हम चेक कर सकते हैं। वैसे ही डाउनी मिल्डी व बाजरा में हम इसको 55 डिग्री टेम्परेचर में करेंगे 10 मिनट्स के लिए। तो क्रॉप के हिसाब से और स्पेशली पैथोजेंस के हिसाब से ये जो टेम्परेचर है वो सेट करते हैं। जैसे वाइट टिप ऑफ पेडी है, इसमें हम 51 to 53 डिग्री टेम्परेचर में हम इसको 15 मिनट्स के लिए ट्रीट करेंगे। लेकिन हम एक दिन पहले हम इसको कोल्ड वाटर में एक दिन के लिए डिप करके रखेंगे, उसके बाद फिर हम ये इस टेम्परेचर में 15 मिनट के लिए ट्रीट करेंगे। उसी प्रकार से जैसे आपका जो नेमेटोड्स की प्रॉब्लम है ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में, स्टेम एंड बल्ब नेमेटोड, इसके लिए हम 43 डिग्री टेम्परेचर में 3 आवर्स के लिए ट्रीट करेंगे। सीडलिंग ब्लाइट कुकुम्बर में जो होती है स्यूडोमोनास एरेंगी से, इसके लिए हम 50 डिग्री टेम्परेचर और 75 RH जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हम 3 डेज के लिए सेट करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर्स हैं मेथड्स जो हॉट एयर ट्रीटमेंट्स हैं। ये बेसिकली जो ट्यूबर्स हैं, बल्ब्स हैं, सेट्स हैं, नर्सरी स्टॉक्स हैं, इसको इसमें जो पैथोजेंस होते हैं प्रोपोगेटिंग मटेरियल्स में, इसको कील करने के लिए हॉट एयर ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं। और ये जनरली जो ट्यूबर्स में या जो प्रोपोगेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें अगर कोई वुंड्स क्रिएट है तो वो उसकी रिकवरी फास्ट करता है। और अगर हम इसको स्टोर करके रख रहे हैं
तो उसके प्रोटेक्शन स्टोरेज में वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये दो हमको इसे एडिशनल हॉट एयर ट्रीटमेंट से बेनिफिट्स मिलती है। जैसे हम स्वीट पोटैटो को राइजोपस, इरविनिया, जिंथोमोनास कम्पेस्ट्रिस, ये सभी के लिए अगर हम ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि ये पैथोजन ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको 2 वीक्स के लिए हॉट एयर से ट्रीट करते हैं। उसी प्रकार से सीड्स ऑफ बॉर्ले को हम 72 डिग्री टेम्परेचर में 7 to 10 डेज के लिए हम ट्रीट करते हैं। तो ये जो पैथोजेंस है, जो स्पेशली राइजोपस, इरविनिया और जेंथोमोनास कम्पेस्ट्रिस है, ये इससे सेफ होती है। तीसरा स्टीम ट्रीटमेंट है। स्टीम ट्रीटमेंट्स जो है ये हॉट एयर ट्रीटमेंट और हॉट वाटर ट्रीटमेंट से ज़्यादा इफेक्टिव है और सेफर भी है, क्योंकि इसमें दोनों, फर्स्ट में जर्मिनेशन की प्रॉब्लम अगर होती होती है, अगर हम उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इसमें जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है स्टीम ट्रीटमेंट से। ये हम टेम्परेचर को इस मेथड्स में इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, और पल्स क्रॉप में ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड्स हैं। देख, जैसे आपका वीपी स्मट शुगर केन है, स्टिलागो से होती है, ये 55 to 60 डिग्री टेम्परेचर में अगर 10 मिनट्स के लिए हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, तो ये डिफिकल्ट क्रॉप्स में, जैसे रेड रॉट ऑफ शुगर केन है, इसका मैनेजमेंट कंपरेटिव दूसरा डिजीज में डिफिकल्ट होती है। तो कोलेक्टोट्राइकम फेलकेटम जो पैथोजेंस है, इसको हम 54 डिग्री टेम्परेचर में हम इसको अगर 8 आवर्स के लिए ट्रीट करते हैं, तो ये बेहतर रिजल्ट हमको मिलती है। ऐसी ग्रासिस्टेंट है शुगर केन का, विल्ट है, ये डिफरेंट टेम्परेचर में 54 आवर फॉर 2 आवर्स के लिए, और विल्ट में 50 डिग्री टेम्परेचर फॉर 2 आवर्स के लिए अगर हम ट्रीट करके स्वइंग करते हैं, तो हमको इसका जो इनाकुलम है पैथोजेंस का, वो हम लोड को हम कम कर सकते हैं, किल करके हम उसको लगाते हैं। फोर जो फिजिकल मेथड्स हैं वो सॉइल सोलराइजेशन का मेथड्स हैं। द सॉइल सोलराइजेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसमें हम क्रिएट करते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम जिस सॉइल का सोलराइजेशन करने वाले हैं, उसको हम अच्छी तरीके से प्लोइंग करें और हेवली इसको हम इरिगेट करें। 40 to 50 मिलीमीटर हम उसको बंग इरिगेट करें, और उसको प्रॉपर हम वाइट ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन आती है, जो स्पेशली सॉइल सोलराइजेशन के लिए जो होती है, 25 to 50 माइक्रोन की, या हम कहें कि 100 to 200 गेज की जो पॉलीथीन सीट होती है, उससे हम इसको टाइट एयर टाइट कवर करें। उसके बॉर्डर्स को हम अच्छी तरीके से सील करें मिट्टी के माध्यम से, और 4 to 6 वीक्स के लिए हम इसको ट्रीट करते हैं, उस कंडीशन में रखते हैं, जब हमारा सॉइल का जो सनलाइट है वो जो मैक्सिमम होती है मई जून के महीने में, ऐसे पीक पीरियड में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उस समय हम इसको सॉइल सोलराइजेशन को करते हैं। इसके कारण जो डोरमेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्पोर्स हैं, वो किल होती है, खास तौर से जितने भी रेस्टिंग स्पोर्स हैं, कोई स्पोर्स है, स्क्लेरोसिया है, क्लेमाइडो स्पोर्स हैं, ये सभी सॉइल सोलराइजेशन से ठीक होती हैं। और स्पेशली सॉइल बोर्न जितने भी पैथोजेंस है, डिजीज हैं, जैसे डैम्पिंग ऑफ है, रूट रॉट है, विल्ट ऑफ क्रॉप्स है, डिफरेंट क्रॉप्स के गोल्डन निमेटोड्स हैं, रूट नॉट नेमेटोड हैं वेजिटेबल्स में, ये सभी को हम सॉइल सोलराइजेशन से ठीक कर सकते हैं। दूसरी जो होती है वो सॉइल स्टरलाइजेशन होती है, या हम कहें सॉइल ट्रीटमेंट बाय वेट हीट। ये उन जगहों के लिए लाभदायक है जहाँ पे हम क्रॉप्स को ग्रीन हाउसेस में लेते हैं और वहीं पे अपना एक्सपेरिमेंट्स या क्रॉप्स को हम लगाते हैं। तो ऐसे बेड्स में, जब सॉइल का बेड्स बना के जब हम उसको रखते हैं और उसमें क्रॉप लेते हैं, तो उस सॉइल बेड में हम जो स्टीम हैं, एरेटेड स्टीम्स को हम सप्लाई करते हैं, तो उस परमानेंट स्ट्रक्चर के अंदर ही
वो टेम्परेचर के कारण जो पैथोजेंस है वो किल होता है। जैसे अगर हम 50 डिग्री टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं सॉइल में, तो वो निमेटोड और कुछ उमाइसिटीज फंजाई हैं, वाटर मोल्ड्स हैं, वो किल्ड होती हैं। अगर हम टेम्परेचर को और राइज करते हैं 60 to 72 डिग्री टेम्परेचर, तो मोस्ट ऑफ जितने भी पैथोजेनिक फंजाई बैक्टीरियाज हैं वो किल्ड होती हैं। और अब 82 डिग्री टेम्परेचर में जितने भी मोस्ट ऑफ वीड्स हैं, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये किल होती हैं। और इसके आगे हम अगर टेम्परेचर राइज करते हैं 95 to 100 डिग्री, तो जितने भी हीट टॉलरेंट वीड्स होते हैं, वीट सीड्स हैं, कुछ प्लांट वायरसेस हैं जैसे TMV, वो जो है इससे किल्ड होती है। तो ये जो सॉइल स्टेलाइजेशन का जो वेट हीट के द्वारा हम जो सप्लाई करते हैं वो स्पेशली ओपन फील्ड के लिए नहीं है, ये हमारे ग्रीन हाउसेस के लिए अप्लाई किया जाता है इसको। अनदर जो मेथड्स हैं वो सोलर हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से करते हैं। सोलर हीट ट्रीटमेंट का जो मेथड है इसको डॉक्टर जेसी लुथरा ने 1934 में डिस्क्राइब किया था, और ये आपके हॉट वाटर प्रिंसिपल्स के बेस पे काम करता है। इस मेथड्स में हम सीड्स को पहले कोल्ड वाटर में अर्ली मॉर्निंग 4 घंटे के लिए हम डीप करके रखते हैं, से मॉर्निंग 6 to 10 AM के तक हम उसको डीप करें। देन आफ्टर द सीड्स आर ड्राइड फॉर 6 आवर बिटवीन 10 AM to 4 PM, और किसी भी हार्ड सरफेस में हम इसको सनलाइट, सूर्य की तेज रोशनी में हम इसको ड्राई करते हैं। स्पेशली ये जो मेथड्स हैं वो लूज स्मट ऑफ वीट के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया था, और इसमें इस पैथोजेंस इस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है। अनदर मेथड इस लाइट वेवलेंथ के द्वारा भी हम इसको डिजीज को हम चेक कर सकते हैं। बहुत सारे क्रॉप्स में जैसे अल्टरनेरिया है, बोट्राइटिस है, स्टीम फाइलम है, ये सभी में जो एस्पोरेशन होती है यानी स्पोर्ज का जो डेवलपमेंट होता है वो 6 नैनोमीटर वेवलेंथ अगर लाइट की उसको मिलती है तभी इसमें एस्पोरेशन होता है। तो ये जो एस्पोरेशन है उसको हम अगर हम ग्रीन हाउस में ये क्रॉप ले रहे हैं, और ख़ास तौर से ग्रीन हाउस में ये अल्टरनेरिया बोट्राइटिस ये ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, तो हम ग्रीन हाउस को किसी भी यूवी एब्जॉर्बिंग विनाइल फिल्म से कवर करके उसकी वेवलेंथ को हम चेंज कर सकते हैं, लाइट की वेवलेंथ को, जिसके कारण ये जो डिजीज़ हैं वो कम से कम इसमें आएगी। थर्ड अनदर मेथड है रेडिएशन के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्स रेज है, गामा रेज है, अल्फा बीटा रेज है, इसके माध्यम से हम पोस्ट हार्वेस्ट यानी हार्वेस्ट करने के बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके सरफेस में होते हैं, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, जो कि उस फ्रूट को खराब करती हैं। तो ये रेडिएशन देने से जो पैथोजेंस हैं या दूसरे माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाती हैं, और फ्रूट या वेजिटेबल क्रॉप लंबे समय तक हम उसको ट्रांसपोर्टेशन के समय हम हैंडलिंग में हम उसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन भी एक फिजिकल मेथड्स हैं जिसको हाइड्रोकूलिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद हम इसको जब ट्रांसपोर्टेशन एक डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट करते हैं, तो जो कूलिंग व्हीकल्स होती हैं उसके माध्यम से जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं रेफ्रिजरेशन के माध्यम से, तो उसमें जो भी पैथोजेंस है वो कम से कम इसको डिस्टर्ब कर पाता है, उसमें इन्फेक्शन कर पाता है और ख़राब कर पाती है। अनदर मेथड्स इज ड्राइंग ड्राइंग स्टोरेज ग्रेन है। हम जो सीड स्टोर कर रहे हैं उसमें हम अगर उसके मॉइस्चर को हॉट एयर के माध्यम से 12% तक रखते हैं, तब इसमें बहुत सारे पैथोजेंस
जो अपना डेवलपमेंट या इंसेक्ट जो है उसमें डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। तो ये मॉइस्चर लेवल प्रॉपर हम अगर अब 12% अगर मेंटेन करके रख रहे हैं तो बहुत सारे पैथोजन जो है स्टोर में जब जो पैथोजन्स आते हैं उससे हम इसको बचा सकते हैं। अनदर जो मेथड्स हैं प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में वो हम देखते हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में वो आपको ज़्यादा इसमें समझ में भी आएगा। इसको हम कहते हैं प्लांट क्वारंटाइन। जैसे अभी हम देख रहे हैं क्वारंटाइन वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण, तो आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत इजी होगी। प्लांट क्वारंटाइन का लिटरली मीनिंग ही होता है 14 डेज पीरियड। 14 डेज पीरियड ये एक डिटेंशन पीरियड है, जबकि कोई कंसाइनमेंट शिप्स किसी दूसरे कंट्री से आती है और उस देश में अगर एपिडेमिक डिजीज है तो वो कंसाइनमेंट को जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहाँ पे उसको 14 डेज पीरियड के लिए रखा जाता है। तो इस 14 डेज पीरियड में जो भी उसमें इवन डिजीज है या इंसेक्ट्स हैं वीड्स हैं जो भी उसमें पैथोजेनिक होते हैं वो एपीरियंस हो जाते हैं। बहुत सारे पहले कोलेरा येलो फीवर इसके लिए देखते थे, बाद में ये क्वारंटाइन वर्ड जो है एक रिस्पेक्टिव पीरियड के लिए यूज होने लगा, और प्लांट क्वारंटाइन टर्म ही है कि यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज बाय ए लीगली कंस्टिट्यूटेड अथॉरिटी टू प्रिवेंट द एंट्री और स्प्रेड ऑफ इंजूरियस प्लांट्स पेस्ट एज ए सीवियर इन पब्लिक इंटरेस्ट। यानी ये एक लीगल लॉ इन्फोर्समेंट है किसी अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया, जो कि किसी भी डिजीज पेस्ट को किसी नॉन प्रिवेंट एरिया में एंट्री करने से रोकती है। प्लांट क्वारंटाइन जो लॉ है फर्स्ट टाइम फ्रांस में 1960 में स्टेब्लिश हुई थी, उसके बाद ये डेनमार्क में 1903 में, फिर यूएसए में 1912 में बना, और इसका मेन एम यही था कि जो रैपिड डिस्ट्रक्शन और जो इरिडिकेशन है जो बारबेरी में अल्टरनेट होस्ट जो पक्सिनिया ग्रेमनिस्टिटिसी वीट रस्ट का था उसको नियंत्रित करने के लिए फर्स्ट टाइम ये लॉ इन्फोर्समेंट की गई थी। इंडिया में प्लांट क्वारंटाइन जो रूल्स रेगुलेशन है वो जो हमारे इंडिया में 1914 में जो डीपा एक्ट बना, डिस्ट्रिक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, उसके अंतर्गत आती है, और 16 प्लांट क्वारंटाइन स्टेशंस ऑपरेट होते हैं इस एक्ट के अंतर्गत, और इसका जो डायरेक्शन है ऑपरेशन वो डायरेक्टेड ऑफ प्लांट क्वारंटाइन प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन में ये एक्ट वर्क करती है। प्लांट क्वारंटाइज जो है वो एक डिजीज कंट्रोल स्ट्रेटेजी के रूप में अगर हम इसको प्लांट के बेस पे लेते हैं और डिजीज के रिस्पेक्ट में, तो देखते हैं कि ये गवर्नमेंट एजेंसी है यूजुअली एक द नेशनल लेवल स्टेट, या फिर हम जहां पे भी उसका जरूरत है उस लेवल पे हम इसको यूज कर सकते हैं। प्लांट क्वारंटाइन का अगर हम एग्जैक्ट उसके डेफिनेशन में जाएं तो हम पाएंगे कि ये एक लीगल रिस्ट्रिक्शन है, अ लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूजन प्रिवेंशन और डिलेइंग द स्प्रेड ऑफ प्लांट पेस्ट एंड डिजीजेज इन अन इन्फेक्टेड एरियाज। आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम अगर बात करते हैं ह्यूमन डिजीज के बारे में तो भी है ये एक लीगल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे गवर्नमेंट ने लगा के रखा है लीगल रिस्ट्रिक्शन स्टेट टू स्टेट
कोई मूवमेंट नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं होगा, विद इन द डिस्ट्रिक्ट एक एरिया से दूसरे एरिया में हम वो मूवमेंट नहीं होगा। तो ये जो उसको जो प्रॉब्लम कभी क्रिएट हुई है उसके भी एक्सक्लूजन के लिए, प्रिवेंशन के लिए, और जो उसके स्प्रेड को रोकने के लिए जो हम इन्फोर्स लॉ है, ये इसी को हम प्लांट क्वारंटाइन या हम ह्यूमन क्वारंटाइन भी परिप्रेक्ष्य में कहेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस लॉ का कि प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, प्लांट डिजीज एंड वीट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, और इंडिया इज वन ऑफ दोज होल्ड सच लेजिस्लेशन आर इन ऑपरेशन। फॉरेन क्वारंटाइन इंडिया में या कहें कि सभी जगह दो तरह के क्वारंटाइन जनरली काम होते हैं। एक होता है फॉरेन क्वारंटाइन, जिसका मेन काम होता है कि जो हम इंडिया में दूसरी कंट्री के द्वारा जो भी कंसाइनमेंट, जब जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, प्लांट्स हो, प्लांटिंग मटेरियल हो, वो उसमें इंसेक्ट और फंजाई जो होते हैं वो फॉरेन से हमारे इंडिया में ना आए, जैसे एयर के माध्यम से है, सीज हैं, सीज पोर्ट हैं, या लैंड के द्वारा जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उसके थ्रू। फॉरेन क्वारंटाइन जनरली दो प्रकार से वर्क करती है, एक जनरल और दूसरा स्पेसिफिक। जनरल रूल में एट प्रिवेंशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज इनटू कंट्री कोई सा भी, और स्पेसिफिक रूल्स के अंतर्गत जो 41 स्पेसिफिक डिजीज और इंसेक्ट्स हैं उसको लेके काम करती है। तो फर्स्ट जो जनरल है उसमें जितने भी प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट हैं उसको हम चेक करते हैं, देखते हैं, और स्पेसिफिक के अंतर्गत जो स्पेसिफाइड डिजीज हैं जो कि कहीं ना कहीं एपिडेमिक रूप में आया है और जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऐसे स्पेसिफाइड डिजीज और इंसेक्ट्स के लिए हम वो वर्क करती है। जैसे हमारे इंडिया में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो 1983 में यूरोप से आ गया, कॉफी रस्ट 1879 में श्रीलंका से आया, फ्लेग स्मट वीट ऑस्ट्रेलिया से आया, ऐसे 12 से 15 है। वर्ट ऑफ पोटैटो है 1953 में इंडिया में आया, नीदरलैंड से। बंचीट ऑफ बनाना है इंडिया में श्रीलंका से आ गया। ऐसे ये सारे जो है वो हमारे देश में बाहर से ये सारे डिजीज आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे कुछ डिजीज हैं जो कि एक एरिया में नहीं थी लेकिन वर्ल्ड के दूसरे एरिया में ये इंट्रोड्यूस हो गई। जैसे साइट्रस कैंकर देखेंगे, साइट्रस कैंकर मेन एशिया का था, वो यूनाइटेड स्टेट में चली गई। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल 1919 में नॉर्थ अमेरिका में थी, वो न्यूजीलैंड चली गई। गोल्डन नेमेटोड पोटैटो यूरोप में थी 1881 से 1961 के बीच, ये यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, इंडिया आ गई। बंची टॉप ऑफ बनाना 1914 में, बनाना वायरस 1, ये श्रीलंका से इंडिया आ गई। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो 1883 में साउथ अमेरिका से ये इंडिया और यूरोप आ गई। ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जो कि ओरिजिनल प्लेस से दूसरे प्लेस में इंट्रोड्यूस हो गई। हमारे देश में जैसे भी चर्चा भी की कि कॉफी रस्ट श्रीलंका से 1819 में श्रीलंका से इंडिया आ गई और कॉफी ग्रोइंग एरिया को बहुत नुकसान की। ऐसे ही फायर ब्लाइट ऑफ पियर्स हैं, लेट ब्लाइट पोटैटो है, फ्लेग स्मट है, पाउडरी मिल्डी है, बहुत सारे डिजीजेज इंडिया में आके डिफरेंट एरिया को नुकसान पहुंचाई। फ्लेग स्मट ऑफ वीट इंट्रोड्यूस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज नाउ स्प्रेड इन MP, पंजाब, राजस्थान एंड UP। बहुत सारे डिजीज जो है हमारे यहाँ, जैसे खास तौर से जो इम्पोर्टेंट डिजीज हैं, बंची टॉप अप बनाना, ये श्रीलंका से 1940 में आई और अभी केरला में, ओडिशा में, वेस्ट बंगाल और असम में काफ़ी स्प्रेड हो चुकी है और नुकसान करती है। वैसी वार्ट ऑफ डिजीज इन क्राइटियम एंडोबायोटिकम है,
पोटैटो का, ये दार्जिलिंग एरिया में सबसे ज़्यादा देखा गया था। ये हॉलैंड से आई थी। गोल्डन नेमेटोड अभी हम देखेंगे कि नीलगिरी एरिया जो थी, और ये स्प्रेड इन तमिलनाडु। मोजेक आप बनाना कन्फाइंड टू गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये जो डिजीज जो दूसरे देशों से हमारे देश में आ गई एक पार्ट में है, तो इस हमारे देश में जो बाहर से डिजीज आ गई प्रॉब्लमेटिक, अब इसको दूसरे स्टेट में, हमारे विद इन इंडिया में या दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड ना हो, उसके लिए जो क्वारंटाइन लगता है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक क्वारंटाइन। एक तो फॉरेन क्वारंटाइन है जो बाहर से आने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है, और डोमेस्टिक क्वारंटाइन वो विद इन इंडिया में स्प्रेड ना हो उसके लिए जो नियम है। जैसे अभी हम देख भी रहे हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ना है, इसके लिए बॉर्डर सील कर दिया गया, स्टेट की बॉर्डर सील है। ऐसी प्लांट क्वारंटाइन प्लांट्स के लिए भी किया जाता है, खास तौर से बहुत सारे जैसे दो इंसेक्ट है, रोटेट स्केल्स और सेंजियोस स्केल्स, और थ्री डिजीज, बंचीटा बनाना, बनाना मोजेक, वर्ट ऑफ पोटेटो, ये इसके लिए स्पेसिफिक डोमेस्टिक क्वारंटाइन लागू है। बंचीटा पब बनाना एट प्रेजेंट केरला में है, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में है। तो इसके ट्रांसपोर्टेशन को चेक किया जाता है विद इन स्टेट्स। बनाना मोजेक ये अभी महाराष्ट्र गुजरात में है, तो अदर पार्ट्स के लिए भी इसका रिस्ट्रिक्शन लागू है, प्रोहिबिट्स प्रोहिबिट्स हैं इसका। वाटा पोटैटो ये दार्जिलिंग एरिया वेस्ट बंगाल में है। तो शुगर जो उसके ट्यूबर्स हैं वो दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलाउ नहीं, प्रोहिबिशन है। एप्पल इसके वेंचुरिया निकोलिस भी 1979 में जो इस देश में आया था, और ये डोमेस्टिक क्वारंटाइन में भी अब इसको लिया गया है। बहुत सारे एजेंसीज में इन्वॉल्व होती है क्वारंटाइन के लिए। बहुत सारे जो फॉरेन क्वारंटाइन्स होती है उसमें जो इंटरनेशनल सी पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, और जो लैंड फ्रंटियर्स हैं जिसे हम, उस पे ये जो क्वारंटाइन्स के ऑफिसेस एंट्री पॉइंट पे होते हैं, और वहाँ पे जो जितने भी उसके रूल्स रेगुलेशन हैं वो फॉलो किए जाते हैं। जैसे सी पोर्ट्स में भावनगर, यानी जो 9 सी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह है, यहाँ पे ये प्लांट क्वारंटाइन जो है वो इन्फोर्स है, यहाँ पे सब चेक किए जाते हैं। तो ये आपके सी पोर्ट्स आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से सी पोर्ट्स है कहाँ पे। एयरपोर्ट्स पे है जैसे जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, अमृतसर है, मुंबई है, कोलकाता हैदराबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली, पटना, ये सभी जगहों पे ये एयरपोर्ट्स पे प्लांट क्वारंटाइन इन्फोर्स है। लैंड फ्रंटियर्स पे है वेस्ट बंगाल, अमृतसर रेलवे स्टेशन, अटारी वाघा बॉर्डर, अटारी रेलवे स्टेशन, तो ये सभी जगहों पे, 7 जगहों पे प्लांट क्वारंटाइन की ऑफिसेस वर्क करती है। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स कुछ और है, जैसे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून, फॉरेस्ट्री बॉटनिकल सर्वेस ऑफ इंडिया है, ये जो ऑफिसेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नेशनल इंस्टीट्यूट वो जो है ये प्लांट क्वारंट एक्टर्स, प्लांट क्वारंटाइन एजेंसीज, और ये वर्क करती है इस पूरे प्लांट क्वारंटाइन पे। तो इसका फाइनली ये मतलब होता है कि जितने भी जो इपिडेमिक्स क्रिएट हो रही हैं या नई जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो दूसरे देशों में प्रॉब्लमेटिक है वो हमारे इंडिया में ना आ पाए, और इंडिया में कुछ प्रॉब्लमेटिक है जो डिजीज ज़्यादा, उसके लिए डोमेस्टिक क्वारंटाइन करके
लॉ इन्फोर्स करके वर्क जो हो रही है वही ये सभी चीज़ें डिटेक्शन, इसका डायग्नोसिस, ये सभी प्लांट क्वारंटाइन के अंतर्गत किया जाता है। और उसको डिसइंफेक्ट होने के बाद कोई भी अगर कंसाइनमेंट आ रही है, हमने मंगाया है, तो ये जो सेंटर्स हैं जो अभी एयरपोर्ट्स, लैंड फ्रंट वाइज, टीयर्स, सी पोर्ट्स, यहाँ पे वो डिसइंफेक्ट होने के बाद, आइडेंटिफिकेशन होने के बाद, डिसइंफेक्ट होने के बाद फिर ये कंसाइनमेंट इंडिया में इंटर होती है। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है, कुछ मेजर जो 41 डिजीज आइडेंटिफाइड है वो लिस्टेड डिजीज उसमें अगर पाई जा रही है, तो वो कंसाइनमेंट फिर वापस उसको रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है। ऐसे ही दूसरे कंट्री के द्वारा भी क्वारंटाइन्स बनाए गए हैं, जो कि उस वहाँ पे, उस सी पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, वो उस 40 डेज पीरियड पे वो उसको चेक करते हैं। थैंक यू।